गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एम अखिल जैन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स आज हम ई ई तीन सौ दो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन के अंदर यूनिट वन का टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स को आगे पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में हमने डी सी मोटर सिंक्रोनस मोटर्स और इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ा था अब हम और तरह की मोटर्स पढ़ेंगे जैसे सिंगल फेज मोटर्स हो गई कम्यूटेटर मोटर्स हो गई इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटर मोटर कम्यूटेटर मोटर में जो पहली मोटर है वो है थ्री फेज सीरीज मोटर स्पीड टॉक करेक्ट्रिस्टिक्स इसकी सीरीज मोटर की तरह है जो हमने डीसी में पढ़ी थी हाई स्टार्टिंग टॉर्क है इसका पावर फैक्टर जो है वो ज़ीरो पॉइंट नाइन टू वन लैगिंग है स्पीड कंट्रोल ओवर द फुल रेंज स्पीड इजीली कंट्रोल की जा सकती है मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है और रिलेटिव कॉस्ट टू टू थ्री है फॉर ड्राइव एन लोड इंक्रीजेस विद द स्पीड सच एज़ फैन सेंटर पम्प कंप्रेसर और वेयर लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड सच एज फॉर हॉस्ट वर्क मतलब क्रेन का काम करने के लिए जब हमें ज़रूरी होता है स्टार्टिंग टॉर्क लार्ज तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं अब स्कैरेज मोटर्स नियरली कांस्टेंट स्पीड फॉर अ सेटिंग। अगर आपने पर्टिकुलर सेटिंग कर दी है उसके अंदर तो उसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाव फैक्टर जीरो पॉइंट सेवन टू वन स्पीड कंट्रोल रेंज जो है वो थ्री टू वन है मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है रिलेटिव कॉस्ट थ्री टू फोर है फॉर ड्राइविंग वेयर एडजस्टेबल स्पीड इज रिक्वायर्ड सच एज द ड्राइविंग पेपर मेकिंग मशीन्स प्रिंटिंग प्रेसिस कैलेंडर्स एंड टेक्सटाइल वर्क्स इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर लिफ्ट पम्प मशीन टूल्स बेल्ट कन्वेयर एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ इट हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड कन्वीनियंस स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड तो इससे हम स्पीड को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते मगर इसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हम अगर एक पर्टिकुलर सेटिंग कर दें तो उसके बाद हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती हो नेक्स्ट हम आ गए हैं अब सिंगल फेज मोटर्स के ऊपर सिंगल फेज सिंक्रनस मोटर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है पावर फैक्टर ज़ीरो पॉइंट नाइन टू वन है स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है रिलेटिव कॉस्ट 2.5 है फॉर एप्लीकेशन कांस्टेंट स्पीड बट वेरी लो टॉर्क सच एज द प्रिंटर्स क्लॉक्स कंट्रोल ऑल ऑफ़ टाइमिंग डिवाइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग आप मतलब जो छोटे आपरेटर्स हैं वहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारी क्लॉक्स हो गई यहाँ हमारे टेप रिकॉर्डर्स हो गए वहाँ हम सिंकुनस मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर मोटर्स इसके अंदर पहला है सिंगल फेज सीरीज मोटर हाई स्टार ये हमने थ्री फेज में भी देखा था अभी हम सिंगल फेज में देख रहे हैं तो पहला है हाई स्टार्टिंग टॉर्क थ्री टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क विद द स्टार्टिंग करंट ऑफ टॉयज द फुल लोड करंट टॉर्क वेरीज नियरली एज द स्क्वायेयर ऑफ द करंट द स्पीड वेरीज इनवर्सली एज द करंट नियरली जो स्पीड है वो इनवर्सली वेरी कर दिए करंट के टॉर्क जो है वह आई स्क्र मतलब टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई स्क्वाज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आई स्पीड कंट्रोल फुल रेंज विद ट्रांसफार्मर अगर ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे तो फुल रेंज स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं पावर फैक्टर जीरो पॉइंट एट टू जीरो पॉइंट नाइन लैगिंग है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई है और रिलेटिव कॉस्ट उसकी टू पॉइंट फाइव है इन स्मॉल साइज इट इज़ यूज इन ड्राइविंग स्मॉल डोमेस्टिक अप्लाइंस लाइक वैक्यूम क्लीनर रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा एंड इन लार्ज साइज इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर ट्रैक्शन वर्क तो इसको ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं या हमारे घर के वैक्यूम क्लिनर और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ लेते हैं नेक्स्ट है रिपल्सिव मोटर इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा है हाई स्पीड एट लाइट लोड अगर लोड कम होगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी स्पीड कंट्रोल पॉसिबल बाय शिफ्टिंग द ब्रश फुल रेंज मतलब अगर आप ब्रशेस को शिफ्ट करेंगे तो आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और वो स्पीड आप फुल रेंज तक कंट्रोल कर सकते हैं पावर फैक्टर जीरो पॉइंट एट से ज़ीरो पॉइंट नाइन है मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है रिलेटिव कॉस्ट टू पॉइंट फाइव है फॉर सर्विसेज रिक्वायरिंग स्टार्टिंग टॉर्क एंड एडजस्टेबल बट कांस्टेंट स्पीड जहां पर भी हमें स्टार्टिंग के अंदर टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए बट वह एडजस्टेबल होना चाहिए और स्पीड जो वो कॉन्स्टेंट हो वहाँ पर हम रिपल्सिव मोटर का इस्तेमाल करते हैं जैसे कॉइल वाइंडर्स जहाँ पर हम कॉल को बांधते हैं वहाँ पर हम रिपल्सिव मोटर यूज़ करते हैं रिपल्सिव इंडक्शन मोटर कांस्टेंट स्पीड है उसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क है पावर फैक्टर जीरो पॉइंट एट फाइव टू नाइन है स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है रिलेटिव कॉस्ट टू है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं फॉर एप्लीकेशन रिक्वाइंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क विद एन एसेंशियल कॉन्स्टेंट रनिंग स्पीड सचस फॉर ड्राइविंग कंप्रेसर लिफ्ट एक्सेट्रा इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट अब हम इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर्स में सिंगल फेज में कैप्स स्टार्ट जो टाइप है उसके अंदर पहला पॉइंट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क दूसरा कांस्टेंट रनिंग स्पीड तीसरा पावर फैक्टर 0.7 टू 9 स्पीड कंट्रोल नॉट पॉसिबल मेंटेनेंस कॉस्ट लो है और रिलेटिव कॉस्ट जो है वो वन पॉइंट फाइव है तो ये इसके सारे पॉइंट्स हैं अगर आपको इनकी ज़रूरत हो जिसके अंदर भी जैसे आपने देखा अभी रेफ्रिजरेटर या हर जगह पर हम कंप्रेसर ये लिख रहे हैं बट जहाँ हमें इन प्रॉपर्टीज़ की यूज़ हो वहीं हम हमारी कैप्सटर स्टार्ट टाइप को यूज़ करेंगे देखिए फॉर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर अदर एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क सच एज़ स्मॉल पोर्टेबल होस्ट उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैप्चर स्टार्ट एंड कैप्चर रन टाइप की अगर बात करें तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क कांस्टेंट स्पीड क्वेटन ऑपरेशन स्पीड कंट्रोल नॉट पॉसिबल हाई एफिशिएंसी, पावर फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन टू वन मेंटेनेंस कॉस्ट लो रिलेटिव कॉस्ट जो है वो टू है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और एप्लीकेशंस जो है वो है फॉर एप्लीकेशन रिक्वाइंग क्वाइट ऑपरेशन मोटर्स एंड रिप्लेसिंग रिपल्सिव स्टार्ट मोटर्स जहाँ पर भी आपको बिल्कुल शांत ऑपरेशन चाहिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए मोटर्स के अंदर जब भी चले वहाँ पर हम कैप्चर स्टार्ट एंड कैप्चर रन टाइप मोटर का इस्तेमाल करते हैं और अब ये हमारी लास्ट मोटर है वह है रिपल्सिव स्टार्ट मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क कॉन्स्टेंट रनिंग स्पीड स्पीड कंट्रोल नॉट पॉसिबल पावर फैक्टर जीरो पॉइंट एट टू जीरो पॉइंट नाइन मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है रिलेटिव कॉस्ट टू है फॉर रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर एंड अदर ड्राइव्स पर्टिकुलरली दोज विच हैज़ अ हाई इनर्शिया एंड प्रोलॉन्ग स्टार्टिंग पीरियड जिनका स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो वहाँ पर और इनर्शिया मतलब बहुत बड़ी मोटर हो वहाँ पर हम रिपल्सिव स्टार्ट मोटर का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर आपको आवाज़ मिलेगी बट इसको हम रिप्लेस कर देते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि आपको यहाँ ऑपरेशन बहुत शांत चाहिए वहाँ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कैप्सर स्टार्ट कैप्सटर रन से तो ये हमारे आज टॉपिक ख़त्म होता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे